नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इमरान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान पर एफएटीएफ की गाज गिरना पक्का हो गया है। अब यह लगभग फिक्स हो चुका है कि पाक को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने से कोई चमत्कार ही बचा सकता है। एफएटीएफ द्वारा निर्धारित नियमों से जुड़े दो विधेयक को पाकिस्तान की विपक्ष बोल सीनेट ने ठुकरा दिया। अगर यह विधेयक ऊपरी सदन में पास हो जाते तो संभव है कि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में जाने से बच जाता, मगर पाकिस्तान का विपक्ष एकजुटता से इमरान सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया और 104 सदस्य सीनेट ने दोनों विधेयक को ध्वनि मत से खारिज कर दिया। इन विधेयकों के खारिज होने का मतलब भारत के लिए सुकून की बात है, जबकि इमरान सरकार की टेंशन कई ज्यादा बढ़ गई है। खास बात यह है कि जुलाई में पाकिस्तान की सीनेट ने एफएटीएफ द्वारा तय की गई सख्त शर्तों से संबंधित दो विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। इससे एक दिन पहले ही इन विधेयकों को नेशनल असेंबली में विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित करा लिया गया था। ऊपरी सदन में विपक्ष के पास बहुमत होने के चलते अब इमरान के प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाता दिखने लगा है। इमरान एंड कंपनी एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से पाकिस्तान को बचाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इन विधेयकों में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों की संपत्ति पर रोक लगाना, उन्हें जब्त करना, यात्रा और हथियारों पर रोक लगाना तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए भारी जुर्माना और लंबी अवधि के जेल के उपाय शामिल है। यानी इमरान ऐसे कानून बनाने की तैयारी कर रहे थे जिससे पाक की मदरसा जमात में खलबली मच सकती थी, मगर विपक्षी दलों ने इमरान की कोशिशों को पलीता लगा दिया। गौरतलब है कि एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। उसने पाकिस्तान को 2019 के अंत तक कार्रवाई करने की योजना तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन कोविड-19 के चलते यह डेडलाइन बढ़ा दी गई थी। यानी अब पाकिस्तान के पास हाथ पैर मारने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ओर से पूछे गए 27 सवालों के जवाब अक्टूबर तक देने होंगे। पहले इस मामले की समीक्षा 21 से 26 जून के बीच होनी थी। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की तरफ से सौंपे गए 27 बिंदुओं में से केवल 14 का जवाब दिया है, जबकि 13 बिंदुओं पर उसने कुछ भी नहीं कहा है। बड़ी बात यह है कि अगर अगले महीने तक पाकिस्तान ने ठोस कदम नहीं उठाए तो उसका ब्लैकलिस्ट होना लगभग तय है। पर लगता यूं है कि जिस तरह विपक्ष ने इमरान के मंसूबों में अड़ंगा डाला है, उससे पाकिस्तान के तहमंद उतरने लाजमी है। इस बात का संकेत भी है कि पाक के आतंकी गुट सत्ता के भीतर तक पकड़ बना चुके हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यही गुट इमरान की कोशिशों को असफल करने में लगे हैं, क्योंकि इन विधेयक के कानून बनते ही आतंकी गुटों पर न चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसकी आशंका से इन आतंकियों में हलचल बढ़ी है। साथ ही पाकिस्तान की सत्ता और विपक्ष में मौजूद वह नेता भी लिपट जाएंगे जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं। ऐसे नेताओं, उद्योगपति और सेना के अफसरों की तादाद काफी ज्यादा है। यानी खुद इमरान की सरकार के भीतर ही इन विधेयकों को लेकर मतभेद है। पर बड़ी दिक्कत यह भी है कि अगर इमरान एफएटीएफ के नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो पहले से ही कंगाल इस मुल्ला मुल्क के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एफएटीएफ के सामने उसे ब्लैकलिस्ट करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में मलेशिया, तुर्की और चीन भी उसको बचाने का कोई बहाना नहीं ढूंढ पाएंगे। मजे की बात यह है कि मलेशिया में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक माहौल नहीं रहा है। मलेशिया की मोहिउद्दीन सरकार ने खुद को गुटबाजी से दूर करने के लिए अपनी विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव किए हैं। यानी एफएटीएफ में पाकिस्तान समर्थक देशों की तादाद केवल दो ही रह सकती है, जिनमें केवल चीन और तुर्की ही बाकी है। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हुआ तो उसे भारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ऐसे हालात में यहाँ विदेशी निवेश पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, जो लगभग न के बराबर रह जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को विदेशी मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। एफएटीएफ का सदस्य होने के चलते चीन भी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता नहीं दे सकेगा। ऐसा हुआ तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। यही वजह है कि चीन जी जान से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने में जुटा है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। भारत जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा कस रहा है, उसने चीन को पसीने छुड़ाए हुए हैं। चीन जहां अपने सदाबहार मित्र को बचाने की कोशिश में है, वहीं भारत ने इस मुल्ला मुल्क के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार कर रखी है। भारत के पास इतने पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इस बार पाकिस्तान का बच पाना आसान नहीं होगा। खासतौर से पिछले दिनों पाकिस्तान ने जिन 80 आतंकियों पर बैन लगाने की कार्रवाई का ढिंढोरा पीटा है, उसमें पाकिस्तान खुद ही फंस गया है। उस सूची में पहले भगोड़े दाऊद इब्राहिम का नाम पहले शामिल किया, बाद में वैश से मुकर गया। भारत की एजेंसियां पाक द्वारा आतंकी गुटों पर की जा रही दिखावटी कार्रवाई के सबूत जुटा चुकी है, जिन्हें एफएटीएफ के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा भारत राजनीतिक स्तर पर उन देशों के संपर्क में है जो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने में भारत के पक्ष में खड़े रहे हैं।
यानी पाकिस्तान के लिए भारत एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत का टारगेट पाकिस्तान को सिर्फ ब्लैकलिस्ट कराना नहीं है, बल्कि पाक अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार कराने को लेकर भी भारत कमर कस चुका है। यह तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में कंगले और भिखारी मुल्ला मुल्क की हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की सीनेट ने भारत की मुश्किल खुद ही आसान कर दी है। पाकिस्तान के विपक्षी सांसदों ने जिस प्रकार इन विधेयकों के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे तय हो गया कि पाकिस्तान में इन्हें कानून का रूप मिलना बड़ा मुश्किल है। अपने विधेयकों को सूली पर चढ़ता देख इमरान खान पूरी तरह से बिलबिला गए हैं। उन्होंने इस प्रति की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आज सीनेट में विपक्ष ने एफएटीएफ से संबंधित दो अहम विधेयकों को खारिज कर दिया। इससे पता चलता है कि विपक्षी नेताओं के स्वार्थी हित और देश के हित अलग हैं। दरअसल इमरान खान का सीधा संकेत एफएटीएफ के माध्यम से पाकिस्तान को घेर रहे भारत की तरफ है। पाकिस्तान अपनी कारगुजारियों की तरफ ध्यान नहीं देकर अपनी नाकामी का दोष भारत पर डालने की फिराक में है। वह यही दिखाना चाहता है कि मुल्ला मुल्क दूध का धुला है, भारत दूर खड़ा होकर उस पर कीचड़ फेंक रहा है। बड़ी बात यह है कि ये लोग इतने जाहिल है कि पिछली बार यह ब्लैकलिस्ट में जाने से बच गए थे तो बाकायदा गधैया नृत्य किए गए थे। ये ग्रे लिस्ट में रहने को भी पाकिस्तान की जीत समझ रहे थे, जबकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में किसी देश का शामिल हो जाना उस पर लगे बदनुमा दाग की तरह है। भारत आज तक एफएटीएफ की व्हाइट लिस्ट में रहा है, जबकि यह मुल्ला मुल्क पहले भी 3 बार ग्रे लिस्ट में रह चुका है। इमरान इस बार जरूर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को प्रमोट कराकर व्हाइट लिस्ट में लाया जाए, मगर पाक की धरती पर मौजूद आतंकी गुट ऐसा हरगिज नहीं करने दे रहे हैं। जिस तरह इमरान उनके खिलाफ कानून बनाने और कार्रवाई का दिखावा कर रहे हैं, आतंकी गुट उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। वे इस बात से भी भड़के हुए हैं कि एफएटीएफ की बजाय इमरान भारत के दबाव में यह कदम उठा रहे हैं। खुद पाक सेना में अंदरूनी तौर पर काफी मतभेद है, इसलिए भी इमरान के सामने चुनौती ज्यादा बड़ी हो गई है, जिससे निपटना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। और भारत भी यही चाहता है कि मदरसा मुल्क ऐसी चुनौतियों से जूझता रहे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।